हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी ऑन द बिहाफ ऑफ सीसीटीवी डेस्क वी कम विद अ न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जीसी मफ पी फॉर पीसी इन हिंदी। सो आप लोगों को पता है जीसी मफ फॉर पीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है सीसीटीवी इंडस्ट्री में, और ये एक ऐसी कंपनी का है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल आउट होता है सीबी प्लस। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई हुई है जीसी मफ और पीसी पर, उसमें सिर्फ हमने ये शो किया था कि हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे कन्फिगर करते हैं। बस इस वीडियो में हम एक ऑप्शन डिटेल में समझेंगे। सो आप प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके लिए कन्फ्यूजन दूर करूँगा या फिर सेपरेट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँगा। सो आपको पहला क्या काम करना है, आपको गूगल क्रोम खोल रहा है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको जीसी मफ और पीसी को सिलेक्ट करना है, और जैसे आप जीसी मफ और पीसी सिलेक्ट करेंगे आपको कई वेबसाइट मिलेंगी। मैं इस वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ, मैंने इस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नए पेज पे, आपको थोड़ा वेट करेंगे फिर आपको ये डाउनलोड पेज पे लेके चला जाएगा। अगेन आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको क्लोज कर दीजिए, और ये डाउनलोड होने लगा। डाउनलोड क्लिक हो गया, आप शो इन फोल्डर पर क्लिक करिए और जीसी मफ पीसी पर राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट टू जीसी मफ फॉर पीसी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको एक उसी नाम से फोल्डर बन जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए और इस पर इस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे यस कर दीजिए, आपको दोनों ऑप्शन पर टिक रखना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आपको जनरेट शॉर्टकट पे भी क्लिक करना है, अदरवाइज आपके डेस्कटॉप के शॉर्टकट पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज़ इसको अब वेट करिए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको सक्सेसफुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको रन केवी में इस पर क्लिक करना है और सक्सेसफुल इंस्टॉल का मैसेज भी आ गया आपको, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा, आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। प्लीज़ नोट करिएगा पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। आपको ऑटो लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना, अदरवाइज बार बार आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, और आप इसको टिक कर देंगे तो ये आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, बार बार उसी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर आप दे दीजिए अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको डाल के मैं फिनिश कर देता हूँ। ये KVMS Pro का हमने लॉगिन हो गया, और इस नोटिफिकेशन को बंद करिए, इसको डिवाइसेस को भी बंद करिए। न्यू है, ये आपका इंटरफेस है जीसी मफ और पीसी का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है वो डिवाइसेस पे क्लिक करना है। सबसे पहला काम आप डिवाइसेस में क्लिक करें, उसके बाद अगर आपका लैपटॉप और आपका डिवाइस मींस कैमरा और DVR या NVR सेम नेटवर्क में है तो आपको ऑटो सर्च पे क्लिक करना है। अगर वो आप सेम नेटवर्क में नहीं है, आप किसी रिमोट डिवाइस को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये जो प्लस ऐड का सिंबल है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको लोकल चलाना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और आपको रिमोट लोकेशन में चलाना है तो आप प्लस ऐड पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लस ऐड पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पर डिवाइस नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने ये डाल दिया है। आपको IP डोमेन
कि अब अगेन यहाँ पर अगर आपको सेम नेटवर्क में आपका NVR है तो आप IP डोमेन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको रिमोट लोकेशन से किसी डिवाइस को ऐड कराना है तो आपको SN पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो मेरा डिवाइस रिमोट लोकेशन पे है, तो मैंने इसको SN लिया है। अब SN में हमको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, तो मैंने अपना सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ मुझे प्लीज़ यहाँ पे आप लोग इसको समझें, ये जो यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम डिवाइस का मतलब आपका कैमरा DVR या IP कैमरा जो कुछ भी है उसका यूज़र नेम है। अगेन पासवर्ड भी आपका ये सॉफ्टवेयर का नहीं है, ये बल्कि डिवाइस का है, मतलब आपका कैमरा DVR या जो कुछ भी आपने इसका जिसको भी आप यहाँ ऐड कराना चाह रहे हैं उसका है। और यहाँ पर ऑनलाइन आने के जो टाइम है डिपेंड करता है कि आपके रिमोट लोकेशन पे मतलब आपके डिवाइस पे इंटरनेट की स्पीड कैसी है। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो बहुत जल्दी विद इन अ सेकेंड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रखें, और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ ऑनलाइन का स्टेटस आ जाएगा, और ये आपका नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा, और आपका मॉडल नंबर और चैनल नंबर भी कर लेगा। आपको पहली चीज़ जो करनी है, सो आप सबसे पहले आप डिवाइस कॉन्फ़िग पे यहाँ पर क्लिक करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए सबसे ये मेन सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो आपको ये डिवाइस कॉन्फ़िग का ऑप्शन है, ये चीज़ आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर दिखेगी। आपने क्लिक कर दिया, थोड़ा वेट करिए, जैसे ही आप यहां देख रहे हैं आपको मॉडल नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन, फर्मवेयर वर्जन, अपग्रेड अवेलेबल है कि नहीं है, सारी चीज़ें आपको मेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कैमरे पे क्लिक करना है, और यहां पर कैमरे पे क्लिक करिए। जैसे ही आप कैमरे पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको यहां से आप सारे कैमरे के सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन कुछ भी कम ज़्यादा करना आप यहां से कर सकते हैं, डे और मोड का सेपरेट कर सकते हैं, और आपको 3D NR इनेबल करना है, बैकलाइट कंपनसेशन को अप करना है, वाइट बैलेंस को मैनेज करना है, जो कुछ भी करना आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये बैकलाइट क्या होता है, इसमें WDR बैकलाइट करेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको स्पेशल अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। बेसिकली अगर सामने से रोशनी ज़्यादा आ रही हो तो हम बैकलाइट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं श्योर आपको इस पर वीडियो बना के दे दूँगा। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आपको इनकोड पे क्लिक करना है। इनकोड पैरामीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लोग इस पे बारे में जानते नहीं, मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ से आप अपनी सब स्ट्रीम की और मास्टर स्ट्रीम की बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कैमरा में आपकी रिकॉर्डिंग में हार्ड डिस्क आपकी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और चाहते हैं थोड़ा कम करें, और तो आप यहाँ से उसको बिटरेट कम करके भी ऐसा कर सकते हैं, और आपको सब स्ट्रीम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और कैमरे पे जो वाटरमार्क आता है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H.265 है, अगर मैंने H.264 ले लिया तो मेरी हार्ड डिस्क कंज्यूम ज़्यादा होने लगेगी, और अगर मेरी जो भी सेटिंग मैंने यहाँ करी और मुझे सारी सेटिंग सारे कैमरों में कॉपी कर रही है तो मुझे यहाँ कॉपी ऑल पर क्लिक कर देंगे और अप्लाई करके सेव कर देंगे, सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये इनको पैरामीटर समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको प्लेन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं श्योर आपको वीडियो बना के दूंगा, और आप कन्फ्यूजन को दूर भी करूंगा। अब नेक्स्ट थिंग आती है नेटवर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी अपनी डिवाइस की IP पता करनी है, आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, आपका पोर्ट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को अगर जानना है तो आप सिंपल से यहाँ पर TCP/IP पे क्लिक करेंगे, आपको आपका लोकल जो भी IP है, डिफॉल्ट गेटवे, सारी चीज़ें आपको यहाँ मालूम पड़ जाएंगी। देखिए एक बार ये लोड हो गया, यहाँ सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ गई, हमारा IP एड्रेस ही हमारा डिफॉल्ट गेटवे है। सो मैं थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं चीज़ूंगा। ये सब चीज़ें आप अपने एंड से चेक कर सकते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन है मुझे मैसेज करिए। स्टोरेज में आप हार्ड डिस्क यहाँ मैनेज कर सकते हैं, और कितना स्पेस
फ्री है, कितनी चीज़ें नहीं फ्री हैं, सब आप देख सकते हैं। और इस तरीके से और भी चीज़ें कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, FTP पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसको भी बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं। अगर इंटरफेस पर आते हैं, अब लाइव व्यू पे आते हैं। जैसे आप लाइव व्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, आपका वीडियो लॉगिन हो जाएगा। वो इस तरीके से आप लाइव व्यू देख सकते हैं और लाइव व्यू को सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल, आपको चार डिफरेंट तरीके लाइव व्यू चाहिए, आप यहाँ से व्यू नेम डाल के और उसको सेव कर सकते हैं। मॉनिटर पे भी सेव करना है तो उसको भी आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ये लाइव व्यू आपका हो गया। अब इंटरकॉम, इंटरकॉम में अगर आपने, मेरे केस में एक इंटरकॉम कनेक्टेड है, अगर आपको इंटरकॉम, अगर आपने सी प्लस का इंटरकॉम लगवाया हुआ है तभी ये चीज़ें आपके वहाँ चलेंगी, अदरवाइज ये नहीं चलेंगी। तो ये ऑप्शन अगर है इंटरकॉम में, इंटरकॉम में आपको आप में किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना, पर्टिकुलर डोर का यूज़र मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से, कार्ड इशू अगर कार्ड से आप इसको कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, सर्च करना चाहें तो भी आप सर्च कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री भी देखना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। सो ये बेसिकली सारा आप इंटरकॉम के लिए। अब आते हैं वीडियो वॉल, वीडियो वॉल का ऑप्शन पहले समझिए होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 नंबर ऑफ कैमरास लगा रखे हैं, अब आप ये चाहते हैं कि मेरा एक स्क्रीन पे, एक मॉनिटर पे 16 कैमरे चलें, अगले पे फिर 16 चलें, फिर 8 चलें, यानी आप 5 6 10 स्क्रीन पे सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो इस वो ऑप्शन यहाँ पे है, उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। आपको सिंपली टीवी पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे वीडियो वॉल नेम दे देना है, यहाँ पे व्यू आप सेलेक्ट कर लेना, सिंगल कर लेंगे आप, सिंगल कर देना, यहाँ पर स्क्रीन 1 हो गई, फिर आप करेंगे तो स्क्रीन 4 हो गई। इस तरीके से आपको सब चीज़ें मैनेज कर लेनी है। इस पर कैमरे कौन कौन से चाहिए आपको, वो आप चीज़ें यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आप देखिए डिफ़ॉल्ट ग्रुप यहाँ पर आ गया, इसको आप ले लेना है, उसके बाद फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं कुछ मैंने आपको बता दिया, PDZ का ऑप्शन भी कंट्रोल आप लाइव व्यू में, प्रीव्यू में कर सकते हैं। अब इवेंट, तो इवेंट को यहाँ से अगर आप समझेंगे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैं आपको इवेंट बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोशन डिटेक्शन है, अब नॉर्मल वीडियो है, आपका ट्रिप वायर है, इंट्रूजन है, ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। सो इन चीज़ को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी पर्टिकुलर इवेंट्स पे हमें पॉपअप चाहिए, मेल चाहिए, मैसेज चाहिए, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्लेबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर का, आप इसको प्लीज़ बहुत माइन्यूटली समझिएगा, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आप प्लेबैक पे क्लिक करेंगे, प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना डिवाइस जो भी आपको चाहिए वो आपको लेना है। फॉर एग्जांपल, मैंने पूरा डिवाइस सेलेक्ट कर लिया। अब आपको रिकॉर्ड टाइम में हमेशा ऑल रिकॉर्डर ही रखना है, स्ट्रीम टाइम में मेन स्ट्रीम रखेंगे, अगर आप सब स्ट्रीम रखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी ब्लर हो जाएगी। यहाँ स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है। स्टार्ट टाइम पे फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड का चेक करना है, मैंने थर्ड का चेक कर लिया, यहाँ भी मैंने थर्ड ले लिया और ओके कर दिया। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, अगेन ये डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर। जैसे ये वो आ गया, उसके बाद ये पूरे ये आप हरी पट्टी देख रहे हैं, पूरी आपको हरी दिखने लगी, इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग हुई है उस पर्टिकुलर डेट में। अब यहाँ पर आपको अगर देखना है रिकॉर्डिंग, तो बस सिंपल सा आप कैमरे पे क्लिक करिए और प्ले कर दीजिए, आपको कैमरा की रिकॉर्डिंग वहाँ दी जाएगी। अब अगर आप इसको डाउनलोड करना है, इसको बड़ा कर लीजिए, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, आप सिंपल एक कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना है, जहाँ भी लाना है वहाँ पर, यहाँ पर ले आए, ये आपका स्टार्ट टाइम हो गया, ठीक है। अगेन कट पे क्लिक करिए, देखिए सिंपल सा इस पे कट पे क्लिक करना है। अब स्टार्ट, आपको अगर ड्यूरेशन कम करनी है तो आप यहाँ से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ये जैसे ही आप इसको करेंगे, देखिए ये 19 मिनट का होगा, इसको और कम करिए अदरवाइज बहुत टाइम लेगा, या इसको आपने और कम कर लिया, इसको 2 मिनट का कर दिया। फिर आप जैसे इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आप इसको कट पे क्लिक करें, अगेन ये पूछेगा आपसे कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो पहला पार्ट जो था मैंने रिकॉर्डिंग दिखाई है आपको, दूसरे पार्ट में इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको आप MP4 में क्लिक करना, क्लिक कर दीजिए और ये आप ओके करेंगे, इतनी MB डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये आपका प्लेबैक रोकने के लिए बोल रहा है, जैसे हमने इसको रोका, ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इसको डिलीट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसको डिलीट भी कर देते हैं।
ओके, इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब प्लेबैक का ऑप्शन पूरा हो गया हमारा। पीपल काउंटिंग एक हमारा ऐसा ऑप्शन है, आज की डेट में कैमरा सिर्फ लगाना एक बहुत यूज़फुल चीज़ नहीं होगी, आपको AI कैमरा ही लगवाना चाहिए। तो AI कैमरे में पीपल काउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीपल काउंटिंग बेसिकली वो ये देखता है कि आपको आपके प्रेमिसेस में कितने लोग आए और कितने लोग बाहर गए, ये लोग ये ऑटोमेटिकली काउंट करता रहता है। तो अगर आपके पास वो कैमरा होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। जैसे इस कैमरे में कोई डिवाइस नहीं है, नो पीपल काउंट डेटा, तो इसमें आपको नहीं दिखाएगा। जैसे ही आप वो कैमरा को उस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, आपको ऑप्शन आने लग जाएंगे। तो ये पूरा हो गया। अब मुझे जो चीज़ करनी है वो हीट मैप। अगेन आफ्टर कोविड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर आपने हीट डिटेक्शन कैमरा लगा रखा है तो किसी भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंशन कर लेगा, मार्क कर लेगा और आपको यहाँ पर उसका डेटा मिलने लगेगा। तो अगेन ये एक AI फीचर है, इस तरह कैमरे अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल लें और इसको बिल्कुल लगवाएं। ठीक है, अगर इसको बंद करिए, लॉग पे क्लिक करिए। लॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। दो तरह के लॉग होते हैं हमारे, हमको डिवाइस पे लेना है या क्लाइंट का लेना है। ठीक है, अगर हमने डिवाइस पे क्लिक किया और ये हमने डेट ले ली अपनी, ओके कर दिया इसको और हमें सर्च पे क्लिक करा। अगर कोई रिकॉर्ड होगा यहाँ पर तो श्योर आपको दिखा देगा। देखिए ये सारे यूज़र, सारे रिकॉर्ड्स आपके अंदर आ गए। तो इसमें ये मालूम पड़ता है कि किस यूज़र ने क्या किया या क्या चीज़ें आपकी ओवरऑल सिस्टम में परफॉर्म हुई। अगर कहीं वीडियो लॉस हुआ है या कहीं किसी ने कोई डेटा देखना चाहा है आपका, जो है किसी ने प्लेबैक रोका है या जो भी चीज़ें करी हैं, तो वहाँ पर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को बुलवाया और आपका कैमरा आज से कल ऑफलाइन था, आपने उस टाइम कंप्लेन करी और जब वो कंप्लेन सॉल्व करने आया और उसके टाइम पे कैमरा ऑन था, अब आपको दिखाना तो दो तरह है, या तो आप रिकॉर्डिंग चेक करिए, और अगर आपको देखना कब कब कैमरा ऑफलाइन हो रहा है तो आप लॉग पर चेक करिए, वो डेफिनेटली आपको दिखा देगा कि इस टाइम पे कैमरा हमारा ऑफलाइन हुआ है। तो ये लॉग है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बेसिकली लॉग क्या करते हैं। अब फिर भी कोई कन्फ्यूजन मुझे कमेंट करिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब लॉग हो गया हमारा डिवाइसेस, डिवाइसेस पे क्लिक करिए। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहीं से हमने अपने NVR को ऐड कराया था, और डिवाइस CFG का ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, यहीं से हमने सारे अपने कैमरे के डिवाइस की कैमरे के सारे सेटिंग्स को यहीं से किया था, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं इवेंट कॉन्फ़िग पे। अब यहाँ पर देखिए, जो इवेंट कॉन्फ़िग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि वीडियो डिटेक्शन है, मोशन डिटेक्शन है, अब ऑडियो अब नॉर्मल है, डी फोकस डिटेक्शन है, ट्रिप वायर है, सीन चेंज है, फेस डिटेक्शन है, इन सारे ये सारे इवेंट्स हैं। किसी इवेंट में आपको मैसेज, मेल या बीप चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कैमरे में मुझे चाहिए कि जब भी मेरे को मोशन डिटेक्शन हो, यहाँ पर हमें साउंड मिले, तो जैसे ही हम यहाँ पर अलार्म साउंड कर देंगे, क्लिक कर देंगे, सेंड मेल कर देंगे, जैसे ही वहाँ पर कोई आएगा ये आपको मेल भेज देगा। तो इस तरीके से इस सारी चीज़ों को आप वन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स हैं जिसको भी आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था इवेंट के लिए। अब हम चलते हैं अपने होप्सो PC NVR। PC NVR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने NVR पे रिकॉर्डिंग के अलावा अपने PC को भी NVR बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और बेसिकली ये आपके सारे डिवाइसेस की रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप में आपके PC में करने लगेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया PC NVR। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है एलोकेट, उतनी पर्टिकुलर लोकेशन ही एलोकेट कर देगा और आपका उसको बार बार उसको रिकॉर्ड करने लग जाएगा। सो इस तरीके से आप करना, आपको रिकॉर्ड भी प्लान कर सकते हैं कैसे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, संडे ऑफ करना है नहीं करना है, तो इस तरीके से आप सब चीज़ों को कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। लास्ट है यूज़र नाम से सक्सेस दिख रहा है कि आपको यहाँ एक नए यूज़र बना सकते हैं। पुराने यूज़र्स में का रोल डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि कोई नया यूज़र मैं बनाऊँ, उसको सिर्फ दो कैमरे का एक्सेस दूँ, तो आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को नए यूज़र बनाऊँ, उसको एक्सेस रिकॉर्डिंग वो ना चेक कर सके, सिर्फ लाइव व्यू देख सके, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से हैंडल हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसको सेपरेट वीडियो बना के दे सकता हूँ। और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।